हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मित्र में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन्हें ट्रेड करने की क्या थी हमारी प्लानिंग और मॉर्निंग में किस तरह हमने इन्हें ट्रेड किया, और आने वाले टाइम में या फिर कल के लिए, कल जो एक्सपायरी है, तो हम किस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्लान करके चल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, और जो टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बेसिकली हम इंट्राडे के लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप देखेंगे एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट की शुरुआत होती है, और आप देखेंगे 13,980 ओपनिंग प्राइस एंड हाई सेम, और साथ ही साथ इसने एक नया हाई भी बनाया, बट इसने अपने प्राइस को सस्टेन नहीं किया। तो जिसका मतलब क्या है, यदि इसने अपने प्राइस को सस्टेन नहीं किया, एंड सेकेंड इंडिकेशन, इसने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन यह मिल गया था, यह सेलिंग के लिए एक परफेक्ट ट्रेड होने वाली है। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हैं 13,965 के करीब हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, और क्योंकि हमारे एसएल वहाँ से लगभग 15 से 20 पॉइंट के बन रहे थे, तो 15 से 20 पॉइंट के एसएल के साथ हमने अपनी ट्रेड को प्लान किया, और वहाँ से जो हमारे टारगेट होने वाले थे तो वह हमारे टारगेट होने वाले थे 13,940 और 13,925। ये हमारे फर्स्ट एंड ये सेकेंड टारगेट होने वाले थे, और उसके बाद 13,900 को हमने प्लान किया कि 13,900 तक मार्केट जा सकता है, और वहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। तो हमारी ये जो ट्रेड है, हमने 13,965 के करीब इसे इनिशिएट किया, एंड 13,900 के करीब विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग एसएल, हम अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ इस ट्रेड को हमने प्लान किया है, और अपना जो फुल प्रॉफिट है 13,900 पे, हमने अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी इस तरह हुई। तो बात कर लेते हैं अब सेकेंड ट्रेड की। सेकेंड ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, बट हमारा जो व्यू था सेलिंग साइड पे था, और हमारा जो प्लान था कि हायर साइड से हम इसमें सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। अब वेट कर रहे थे हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। तो यहाँ पर हम अगेन आप देख सकते हैं एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है लगभग 40 पॉइंट के करीब, यहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है, मगर अगेन सस्टेन नहीं करता, और वहाँ से अगेन हमें एक फॉल देखने को मिलता है इसमें। तो ये जो लेवल है, इस लेवल की बात करें तो ये जो लेवल्स हैं आपके सामने, ये जो एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम कर रहा था यहाँ पर, इसके यदि ऊपर निकल जाता तो 13,940 ये एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला था निफ्टी के लिए, तो इसने टेस्ट नहीं किया। तो 13,940 के हमने एसएल के साथ यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन अगेन इनिशिएट की, और हमारे जो टारगेट वहाँ से होने वाले थे, तो 25 पॉइंट के टारगेट के लिए हमने इस ट्रेड को प्लान किया, और हमारे अगेन 25 पॉइंट के जो हमें टारगेट थे 13,900 पर, हमें अचीव हो गए। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको एक अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिला, एंड फर्स्ट 13,925 एंड 13,940 को भी इसने ब्रेक कर दिया, और इसने अगेन हाई बनाया 13,950 का। तो आप देख सकते हैं 13,950 का, और प्रीवियस जो क्लोजिंग की हम बात करते हैं, तो प्रीवियस क्लोजिंग आप देखेंगे 13,940 इन लेवल्स के करीब यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो हम वेट कर रहे थे कि यदि हमें यहाँ पर सिंगल कैंडल, यदि यहाँ पर हमें कोई भी सेलिंग का एक इंडिकेशन देखने को मिलता है, या कोई सेलिंग से रिलेटेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो हम इस ट्रेड को सेलिंग साइड पर लेके जाने वाले थे, क्योंकि हमारा एसएल वहाँ से बहुत ही छोटा, क्योंकि 13,967 ये जो हाई है प्रीवियस डे का, हम हाई के करीब अपने एसएल को प्लान करने वाले थे। तो यहाँ आप देखेंगे एक सेलिंग का कैंडल आपको देखने को मिलता है, लाइक अ हैमर, आपको रिवर्सल हैमर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमने सेलिंग की पोजीशन को अगेन इनिशिएट किया, 13,950 के करीब हमने अपनी सेलिंग की पोजीशन को इनिशिएट किया, और यहाँ से हमारे जो एसएल बैठ रहे थे, यहाँ से 15 से 17 पॉइंट के हमने एसएल के साथ ट्रेड को प्लान किया, और अगेन हमारे जो टारगेट होने वाले थे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस डे की बात भी हम करें,
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन बार 13900 का जो लेवल है ये टेस्ट हो चुका था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस था कि 13900 का लेवल एक बार ब्रेक हो सकता है और नीचे जो बेटर सपोर्ट है तो वह क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने सिंपली फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो लो हैं इनको कनेक्ट किया, तो इससे जो आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं, तो जो ट्रेंड लाइन का जो लेवल्स निकल के आ रहा है यह 13875 के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे जो फाइनल टारगेट यहाँ पर होने वाले थे यदि 13900 का लेवल ब्रेक करता है, क्योंकि हम पहले से ही बढ़िया एक प्रॉफिट में बैठे थे और हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमारी जो ट्रेड थी वह एक बेटर ट्रेड थी। तो वहाँ से आप देखेंगे अगेन 13940, 13925 और उसके बाद 13900, बट 13900 पर यह सस्टेन नहीं करता और एक वहाँ से फॉल देखने को मिलता है। तो जो हमने प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि हमें 13875 पर हमें अपने प्रॉफिट को एक बार बुक करना है, तो हमने 13875 पर अपने प्रॉफिट को एक बार बुक किया और वहाँ से हमें और भी लो देखने को मिला। इसने जो लो बनाया था 13866 का, बट हमने अपने प्रॉफिट को एक बार यहाँ पर फुल प्रॉफिट को 13875 पर एक बार बुक कर लिया है। फिर नेक्स्ट ट्रेड हमने निफ्टी में नेक्स्ट ट्रेड हमने प्लान किया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13875 यहाँ पर निफ्टी ने पॉज किया है और एक सपोर्ट जनरेट किया है, तो यहाँ से मोस्ट चांसेस था कि एक अपसाइड मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता था। तो इसके लिए सिंपली क्योंकि फ्यूचर में हमने ट्रेड किया, यहाँ से हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते थे, बट वी सेफर साइड हमने ऑप्शन को सिलेक्ट किया और हमने ऑप्शन को सिलेक्ट किया 13900 के, 13900 के ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया जिसको कि हमने 60 रुपये के करीब बाय किया और जिसके टारगेट हमारे 90 के करीब थे। और तो आप देख सकते हैं 13900 की कॉल अभी आप देख पा रहे हैं 90 के करीब ही ट्रेड कर रहा है और हम इस कॉल से भी हम एग्जिट हो चुके, तो लगभग इन लेवल्स के करीब हमने इसमें बाइंग पोजीशन बनाई है निफ्टी 13900 की कॉल में 60 रुपये के करीब, और यहाँ से हमने 90 के करीब 30 रुपये के हमने टारगेट का प्लान किया और उसके बाद इस कॉल से हमने एग्जिट ले लिया। तो अभी ये भी आप देख पा रहे हैं 90 के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। तो बात करते हैं हमारी निफ्टी में लास्ट ट्रेड की जो कि अभी हमारी एक्टिव ट्रेड है, हो सकता है इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट या फिर लॉस मे बी हो सकता है, बट हमारी जो मॉर्निंग्स की जो ट्रेड थी वह ऑल ट्रेड हमारी निफ्टी में विनिंग ट्रेड रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी फाइनल ट्रेड की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगेन आपको एक रैली तो देखने को मिली है और ये जो आप रैली की बात करें 13875 से 13965 के करीब हमें एक रैली देखने को मिली है। तो 13965 वी होप एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है क्योंकि यह प्रीवियस डे का हाई है। तो इसी प्लान के हिसाब से हमने 13950 की हमने पुट को बाय किया है और इसके लिए हमने जो एसएल प्लान किया है तो एसएल को हमने प्लान किया है स्पॉट प्राइस के हिसाब से और हमारे जो एसएल होने वाले हैं वह हम 14025 के करीब हम अपने एसएल को मेंटेन करेंगे स्पॉट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से जो भी प्रीमियम की वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे, या फिर हम टारगेट की यहाँ से बात करें तो हमारी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमने टारगेट को डिसाइड किया है 65 रुपये और 85 रुपये और 100 रुपये, तो लोग 100 रुपये के करीब हमने मतलब ऑप्शन को प्लान किया है। तो यह हमारी एक फाइनल ट्रेड है, लास्ट एंड फाइनल ट्रेड थी निफ्टी में, तो जिसे कि हम कैरी करने वाले हैं यदि लास्ट आवर में हम देखते हैं। अभी आप 2:56 हुए हैं तो लास्ट आधे घंटे में यदि मार्केट में हमें किसी तरह की कोई गिरावट देखने को मिलती है और यदि हमारे 13950 की जो पुट है इसका प्रीमियम 65 से 70 या 80-85 के करीब हो जाता है तो हम इस कॉल को आज इंट्राडे में एग्जिट करके चलेंगे, अदरवाइज इस कॉल को हम नेक्स्ट डे के लिए भी प्लान करेंगे और एक्सपायरी के लिए इसको होल्ड रखते हैं। तो चलिए ये तो हो गया निफ्टी की प्लानिंग, इस तरह हमने निफ्टी को ट्रेड किया और लास्ट ट्रेड हमारी निफ्टी में अभी जो एक्टिव चल रही है 13950 की पुट। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में किस तरह मूवमेंट किया है और आगे कैसे मूवमेंट कर सकता है। सेम केस देखें हम
बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगेन आपको एक अपसाइड के साथ बैंक निफ्टी ओपन हमें देखने को मिलता है। और हाई की बात करें हम तो 13,505 के करीब बैंक निफ्टी हाई बनाता है। तो प्रीवियस डे कल की बात करें तो कल ही हमने प्लानिंग करके रखा था कि 31,500 एज अ रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी में वर्क कर सकता है। और एक अपसाइड जो मूव है ये एक्सपेक्टेड था, बैंक निफ्टी में हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता था, तो जो कि एक्सपेक्टेड था। और 31,500 का जो लेवल है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट, और यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता था। तो ये हमने पहले से ही प्री डिफाइन करके रख लिया था कि हम अगले दिन मार्केट को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, वह कौन से लेवल्स हैं जिनके हिसाब से हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे। और हमारे जो सपोर्ट की बात करें तो हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो हमने 31,000 के जो लेवल है इसे मेजर सपोर्ट के लिए पहले से प्लान करके रखा हुआ था। तो मॉर्निंग में आप देखेंगे हाई बनाता है, बट ये अपने हाई को सस्टेन नहीं करता है। तो इसमें हमें एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी थी, बट हमारा जो फोकस था सुबह निफ्टी पर था, तो हमने बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं किया। बट आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे, 31,450-470 के करीब आप बैंक निफ्टी सेल करके चल सकते थे, और जो आपके एसएल होने वाले थे वहाँ से 31,500 के ऊपर, 31,525-510 ये आपके एसएल आप लेके बैंक निफ्टी को सेल करके चल सकते थे। और आपके वहाँ से टारगेट जो होने वाले थे तो आपके वहाँ से टारगेट 31,300 के मिनिमम टारगेट आपके वहाँ से होने वाले थे, क्योंकि ये जो गैप है एक गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है, और जो कि बैंक निफ्टी ने किया। और 31,300 के लेवल ब्रेक होने के बाद हमें 31,150 और उसके बाद 31,000 का भी लेवल देखने को मिला। तो बात कर लेते हैं हमारी एंट्री की। तो हमने जो अपनी एंट्री की है बैंक निफ्टी में, हमारा व्यू था क्लियर कि हमें इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। हमने पहले से रेंज को डिफाइन किया कि 31,300 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है, यहाँ से यदि सपोर्ट लेके मार्केट टर्न हो जाता है, तो हम 31,300 के ऊपर बाइंग की प्लानिंग करते, और यहाँ से हम बाइंग की प्लानिंग कर सकते थे। और टारगेट हमारे 31,500, अगेन 200 रुपये के टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते थे, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और हमारी जो लोअर रेंज की बात करें 31,150, तो 31,150 की जो रेंज है इसे हमने प्लान किया था सेलिंग के लिए। यदि 31,150 के नीचे बैंक निफ्टी कोई भी सेलिंग कैंडल बनाता है या फिर एक कैंडल बनाता है जो कि ब्रेक करे और वहाँ सस्टेन करता है, तो हम इस पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बैंक निफ्टी ने सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। 31,150 के लेवल को ब्रेक किया है और उसके बाद सस्टेन किया है इन लेवल्स को। तो हमने अपनी पोजीशन सेलिंग की पोजीशन को यहाँ इनिशिएट किया। और जो हमारे एसएल थे, एसएल को हमने प्रीवियस जो कैंडल्स की बात करें तो यहाँ 31,235 के करीब एसएल को प्लेस किया। और उसके बाद जो हमारे टारगेट होने वाले थे, तो हमारे टारगेट थे 31,000 के नज़दीक के, तो 31,000 के नज़दीक में हमें 31,050 का हम टारगेट लेके चल रहे थे, बट सडनली हमें एक फॉल देखने को मिलता है और 31,050 से बेटर रेट हमें देखने को मिलता है, और हमने 31,010 के करीब, 10 से 15 के करीब हमने अपनी पोजीशन को यहाँ पर हम एक बार स्क्वायर अप कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले से प्लान करके रखा था कि 31,000 एक मेजर सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है बैंक निफ्टी में, तो नेक्स्ट हमारी प्लानिंग क्या होनी थी? तो नेक्स्ट प्लानिंग हमारी यह थी कि हमने सिंपली, क्योंकि फ्यूचर में आपने ट्रेड किया और आपने प्रॉफिट बनाया, तो उसके बाद हमने ट्रेड लिया ऑप्शन के थ्रू। तो 31,200 के ऑप्शन को हमने वाई किया 160 रुपये पर। तो चलिए देख लेते हैं और उसने किस तरह परफॉर्म किया। तो 31,200 की कॉल, बैंक निफ्टी 31,200 की कॉल को हमने 160 रुपये पर परचेस किया, और उसके बाद 295 के करीब हमने इसमें अपने फुल प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया। तो पहले देख लेते हैं इसके, एक बार हम चार्ट आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 160 पर जब हमने पोजीशन बनाई थी तो उसके बाद हमारे जो टारगेट थे हम 200, 250 और ये 300, ये जो टारगेट है हम ये पहले से प्लान करके चल रहे थे। और लगभग जब 300 के करीब ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला, और 300 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का,
तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था, तो उसके हिसाब से हमने एक बार अपने प्रॉफिट को यहाँ पर फुल प्रॉफिट को इसमें बुक कर लिया। अभी हो सकता है प्रीमियम की वैल्यू और भी यहाँ से बढ़ सकती है, बट हमने अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लिया 295 पे। तो लगभग यहाँ से हमें एक बढ़िया इसमें प्रॉफिट देखने को मिला ऑप्शन के थ्रू भी। तो अभी हमारी स्टैंडिंग पोजीशन की हम यदि बात करते हैं, तो अभी हमारी सिंगल एक पोजीशन है, उसके बाद हमारी बैंक निफ्टी किसी तरह की कोई पोजीशन इनिशिएट नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं क्लियरली अभी भी एक ट्रेंड इसका देखें तो एक अप ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। यदि ये ट्रेंड को ब्रेक करता है और उसके नीचे एक सिंगल सेलिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, सिंगल सेलिंग कैंडल देखने को मिलती है, तो एक इसे हम सेल करके चल सकते हैं। और हमारा जो एस एल होंगे 350-400 पॉइंट 400 रुपये के करीब हम अपने एस एल को प्लान करके चल सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट हो सकते हैं 31,150 और 31,000 के करीब हम प्लान कर सकते हैं। बट अभी क्लियरली आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, तो अभी हम इसमें किसी तरह की कोई भी सेलिंग की पोजिशन इनिशिएट नहीं कर सकते। हाँ, आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, बट फॉर माई रूल्स आफ्टर 3 PM मैं किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड, मेरी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन उन्हें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, बट कोई नई ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। कोई बहुत ही अच्छा भी ऑप्शंस होंगे फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ 3 PM के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बाइंग का हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो सिंपली हम इसे बाय भी कर सकते हैं 31,300 के करीब। एक बढ़िया बाय का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है और लगभग 250 के नीचे 50 पॉइंट के करीब हम एसएल के साथ इस पोजीशन को इनिशिएट कर सकते थे, बट ऑप्शन के थ्रू हमने एक बेटर प्रॉफिट को बना लिया है। तो उसके बाद हमने अपनी पोजीशन को कवर कर लिया है। अभी हम पोजीशन की बात करें तो सिंपली अभी हमारे पास निफ्टी में 13,950 की पुट स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो चलिए, ये हमारी कंप्लीट ट्रेडिंग का प्लान था, किस तरह हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड किया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।